किस लिए है? मनीष सर से पूछती हूँ। हेलो सर। हाय रितिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। सर आपको भी फॉर्म 16 मिला है क्या? हाँ, क्यों, तुम्हें नहीं मिला? मिला तो है सर, पर मुझे पता नहीं इसका पर्पस क्या है। अच्छा, तुम्हारी पहली नौकरी है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। सर फॉर्म 16 का काम क्या होता है? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नई नई नौकरी शुरू करने वाले ज्यादातर यंगस्टर्स को ये नहीं पता होता कि फॉर्म 16 क्या है और किस काम आता है। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरने में अहम भूमिका निभाता है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो कंपनी आपको फॉर्म 16 देती है। अमूमन 15 जून तक सभी एम्प्लॉय को फॉर्म 16 मिल जाते हैं। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो एम्प्लॉयर से इस बारे में पता कर सकते हैं। फॉर्म 16 में एम्प्लॉय को दी गई सैलरी, उसकी ओर से क्लेम किए गए एग्जम्पशन और डिडक्शन का जिक्र होता है। यही नहीं, इसमें कंपनी यानी एम्प्लॉयर की ओर से सैलरी पर काटे गए TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जानकारी भी होती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 203 के तहत कंपनी की ओर से एम्प्लॉय को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने पर फॉर्म 16 में दी गई डिटेल को ITR फॉर्म के प्री फिल्ड डेटा से मिलाना होता है। इसके बाद ऑफलाइन मोड में फॉर्म 16 से डिटेल लेकर ITR फॉर्म में भरी जाती है। फॉर्म 16 के दो हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का नाम, पता और पैन के साथ एम्प्लॉयर का 10 नंबर दिया होता है। एम्प्लॉई को दी गई सैलरी और उस पर काटे गए TDS की डिटेल होती है। ये TDS यानी टैक्स सरकार के पास जमा किया जाता है। फॉर्म 16 के पार्ट बी में सैलरी एग्जम्पशन, डिडक्शंस और टैक्स की कंप्लीट डिटेल होती है। इसमें ग्रॉस सैलरी सेक्शन 10 के तहत एग्जम्प्ट अलाउंस जैसे HRA, सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन, चैप्टर 6A के तहत आने वाले डिडक्शन ATC, ATD और टैक्स का विवरण शामिल होता है। बिल्कुल, इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से हर एम्प्लॉयर को जिसने भी TDS काटा है, किसी का भी, किसी रूप में भी काटा है, उसको ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न TDS की रिटर्न भरनी होती है। और जैसे ही वो TDS की रिटर्न ऑनलाइन भरता है तो वो जो TDS है वो सभी जिन लोगों का TDS कटा होता है, जो डिडक्टी होते हैं, उनके यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर डिडक्टर इस तरह से रिटर्न नहीं भरता तो उसको पर डे 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है। फॉर्म 16 मिलने के बाद सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर चेक करना है। फॉर्म 16 में पैन नंबर गलत है तो आपकी सैलरी से काटा गया टैक्स यानी TDS आपके फॉर्म 26AS में नहीं देखेगा। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के दौरान आप TDS क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर्म 16 में दूसरी चीज आपको यह चेक करनी है कि आपने एम्प्लॉयर के सामने जो अलाउंस एग्जेम्पशन के लिए क्लेम किए थे वो सभी फॉर्म 16 में ठीक से रिपोर्ट हुए हैं या नहीं। इन अलाउंस में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और लीव ट्रेवल अलाउंस यानी LTA मुख्य रूप से शामिल है। ये भी देखें कि डिडक्शंस भी फॉर्म 16 में ठीक से शामिल किए गए हों। कंपनी का नाम, पता और 10 जरूर क्रॉस चेक करना चाहिए। फॉर्म 16 में डिडक्ट TDS का मिलान आपको फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में दिए गए टैक्स डिडक्शन से करना होता है। अगर कोई TDS है जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है लेकिन फॉर्म 26AS में शो नहीं हो रहा है तो भी आप TDS क्लेम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वो अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो TDS की रिटर्न एम्प्लॉयर भरता है उसमें वो करेक्शन कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कई बार रकम गलत डाल दी, पैन नंबर गलत डाल दिया, ये सब वो करेक्शन कर सकता है। फिर भी वहां पे नहीं होता है तो जो असेसी है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने असेसिंग ऑफिसर को भी अप्रोच कर सकता है, वहां पे भी उसको करेक्ट करा सकता है। फॉर्म 26AS एक तरह की टैक्स पासबुक है। इसमें पैन के साथ जमा सारे टैक्स की जानकारी होती है। एम्प्लॉयर और बैंक की ओर से काटे गए टैक्स के साथ साथ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की भी जानकारी इसमें दी गई होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल www.eportal.incometax.gov.in से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करके आपको ई फाइल के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में आपको व्यू फॉर्म 26AS ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके फॉर्म 26AS डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह AIS को इनकम टैक्स की टैक्स वेबसाइट या AIS ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। किसी वजह से कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 नहीं देती है तो भी एम्प्लॉय अपनी रिटर्न भर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि फॉर्म 16 हो, क्योंकि जो सैलरी की डिटेल्स हैं, जो उसको सैलरी मिली है, वो अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकता है। वहां से उसको सैलरी की रकम एज वेल एज जो उसका TDS कटा है वो मिल जाएगी। नंबर 2, जो एम्प्लॉय है उसकी अपनी पासबुक होती है,
पासबुक में नेचुरली सैलरी की अमाउंट आ जाती है, टीडीएस की अमाउंट नहीं आती, तो टीडीएस हम 26AS से डाउनलोड कर लेंगे और अपना सैलरी की इनकम हमें वहां से मिल जाएगी और इस तरह से वो अपनी रिटर्न भर सकता है। कई बार एम्प्लॉय के कुछ डिडक्शन फॉर्म 16 में नहीं दिखाई देते, इसके चलते उनका टीडीएस ज्यादा कट जाता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से इन्वेस्टमेंट की डिटेल मांगता है तो एम्प्लॉई उस समय कुछ डिडक्शन की डिटेल देना भूल जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट की डिटेल फॉर्म 16 में मेंशन नहीं हो पाती है। ऐसे में इन इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय लिया जा सकता है। अब तो मैं समझ में आया फॉर्म 16 क्या है और आरटीआई भरने के लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, पहली बात, पुरानी कर व्यवस्था में ही एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर तुमने एक वित्त वर्ष के भीतर नौकरी बदल ली है तो पुराने और नए एम्प्लॉयर दोनों से फॉर्म 16 लेना होगा। तीसरी बात, आमतौर पर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, इससे पहले रिटर्न भर देना चाहिए वरना 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। चौथी बात, लास्ट मिनट में रिटर्न फाइल करने पर गलती की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, ऐसे में समय से आईटीआर भरना चाहिए।